आज एक और छुट्टी का दिन है, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, यूनिवर्सिटी का ऑफ है, सो मैंने कहा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। दो तीन काम है छोटे छोटे, जिसमें पहला काम है तैयार शहर होना है, तैयार शहर होकर निकलना है, दूसरा मोबाइल का प्रोटेक्टर लगवाना है, तीसरा शहर के पास जाना है, क्योंकि सत्तार बख्श पिए हुए बहुत टाइम हो गया। सो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद फिर घर से निकलते हैं, पहले मॉल जाएंगे, उसके बाद फिर अशर के पास जाएंगे, और फिर मिलते रहेंगे आपसे वीडियोज़ के अंदर जगह जगह पर, आपको भी लेके चलते हैं दिखाते हैं। खैर मिलते हैं फिर तैयार होने के बाद। जैसे कि मैंने बताया था, मौसम बहुत हसीन हुआ हुआ है। इस हसीन मौसम का मतलब है कि धूप निकली हुई है, और ऐसा बहुत कम होता है कि सर्दियों में इस्तांबुल में धूप निकले, लेकिन बहुत मतलब बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट कुछ घंटों में बारिश होने वाली है। दुआ करता हूँ कि मॉल पहुँचने तक बारिश ना हो, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में इतनी तेज़ धूप होती है, अगले ही मिनट में बारिश शुरू हो जाती है। बादल आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं, और जल्दी जल्दी चलते हैं मॉल की तरफ, और फिर मिलते हैं आपसे इस वीडियो में आगे। हवा चल रही है ज़बरदस्त वाली, और धूप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी है, बादल आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि 1-2 घंटे में बारिश होने वाली है। अभी मुझे जाना है मॉल, वहाँ पे जाके प्रोटेक्टर लगवाना है, वहाँ से थोड़ा सा मॉल घूमेंगे, कुछ देखेंगे शॉपिंग के लिए, फिर जाएंगे चिंटू के पास। सत्तार बख्श की एक प्रोडक्ट है वेनिला फ्रैपेचिनो, वो पीना है, वो ट्राई करना है आज। जब भी मैं मेट्रो बस से ट्रैवल करता हूँ, कोई ना कोई गेज चचा मुझे ज़रूर मिलता है। अभी मैं मेट्रो बस से मिजिए कोई आ रहा था, तो एक गेज चचा खड़े हुए थे पाइप को पकड़ के, और मुझे वो इस तरह देख रहे थे कि आपकी सोच है। मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे ये बोलूँ, मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये आ गया हूँ मैं जवाहर मॉल। मौसम तो आप देख सकते हैं बदल ही रहा है, सो मैं पहुँच गया हूँ। अब अंदर जाते हैं, सीधा जाते हैं टेक्नोसा के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा प्रोटेक्टर। अगर मैं गया सैमसंग स्टोर में तो वहाँ महंगा मिलेगा। भाई ये ना क्या करो, दिल जलता है कसम से। हम अकेले घूम रहे हैं और यहाँ पे माशाल्लाह रोड के ऊपर पपियाँ झपियाँ सब चल रहा है। ये है भाई जवाहर AVM मॉल, इस्तांबुल का मतलब अच्छा खासा बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन अच्छा खासा बड़ा है। सो वो रहा ऊपर टेक्नोसा, सीधा जाते हैं टेक्नोसा में। एलिवेटर नहीं लेता हम, स्टेयर से जाएंगे भागते भागते ताकि जल्दी पहुँचे। ये आ गई है जन्नत। जन्नत इसलिए कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चाहिए होती है। भाई 8K से तो नीचे कोई बात ही नहीं करता है, यहाँ पे सब सैमसंग, हर चीज़ सैमसंग सैमसंग, और मैं सैमसंग का दीवाना हूँ। नीचे वाले स्टोर के मतलब फ्लोर के ऊपर LCDs वगैरह, वैक्यूम और मतलब होम इक्विपमेंट होते हैं। ऊपर ये है कि लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल, ये सामने मेरे सैमसंग स्टोर है, वो ओप्पो है, उधर एप्पल है। तो ये रही जन्नत, इससे मैं पूछता हूँ प्रोटेक्टर का, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। भाई उन्होंने कहा ये जो काउंटर्स लगे हैं, मैं इन काउंटर पे आओ और इनसे लगवाते हैं, इनसे पूछते हैं हम प्रोटेक्टर का। अभी अभी मैंने 330 लीटर का प्रोटेक्टर लगवाया, विच इज़ 6000 PKR, मतलब लाइक पाकिस्तान में 1500 का प्रोटेक्टर लगाते मौत आती थी, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 6000 रुपये का प्रोटेक्टर लगवा लिया। खैर 5 लाख के फ़ोन पे इतना तो यार हक बनता है, जायज़ है। खैर अभी मैं आ गया हूँ जन्नत में, आपको दिखाता हूँ जन्नत और फिर आगे आगे चलते हैं। ये है जन्नत मेरे लिए, सिस्टम चेक करें आप। उफ़ मॉन्स्टर्स के लैपटॉप। ये है 22000 का, विच इज़ अराउंड 15-15-30 तकरीबन 4 लाख रुपए का। ये भी 21000 का, सिस्टम चेक करें। असल में मैंने यहाँ था मूव होने का प्लान है थोड़ा सा महीने तक, तो अभी मैं इन चीज़ों पे हाथ नहीं डाल रहा, तो इंशाल्लाह जैसे मूव होगा तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है गेमिंग का, और उसके अलावा फिर पूरा एक सेटअप बनाना है। ये बच्चे को देखें, मतलब यहाँ मॉल्स के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे बैठ के आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, कोई मतलब पेमेंट वगैरह का कोई सीन नहीं है। आप आके सिस्टम चेक करें, लैपटॉप चेक करें, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सीन है। मैं बैठ के खेल सकता हूँ, लेकिन आई डोंट हैव फकिंग टाइम राइट नाउ, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी बैठ के गेमिंग भी करेंगे इधर। मैंने फ़ोन चेंज करना था लेकिन नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, इवन के जो डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ सेम था। सिस्टर ने ले लिया तो मैंने कहा यार अभी फ़िलहाल S22 Ultra ही चलाते हैं,
और सितंबर के अंदर फोल्ड आ गया तो फोल्ड चेंज करूँगा, और उसके साथ साथ आईफोन का 15 भी लॉन्च होगा तो 15 प्रो मैक्स भी लेंगे। सो इंशाल्लाह ये प्लान है और इसके अकॉर्डिंगली ही जाएंगे। अभी S22 अल्ट्रा ही चला रहा हूँ, मूव भी करने का सीन है यहाँ से, तो आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर आ गया हूँ मैं इधर, आपको दिखाते हैं दोबारा। ये है S23 अल्ट्रा और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो S22 अल्ट्रा। कैमरे के अलावा हर चीज़ सेम है, जब आप ये देख सकते हैं ये S22 अल्ट्रा है, मतलब बिल्कुल सेम है, ये S23 अल्ट्रा है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बिला वजह क्यों मैं इतने पैसे डाल के वो करूँ। उसके अलावा हर अपडेटेड चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास ये वॉच भी अवेलेबल है और मेरे पास वो बर्ड्स भी अवेलेबल हैं, तो बिला वजह पैसे ज़ाया करने वाला सीन है। निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं स्टारबक्स ढूंढते हैं, क्योंकि फ्रैपेचिनो ट्राई करना है। उसके बाद फिर अशर को फ़ोन करके अशर के पास जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं निकल जाएंगे अशर के साथ। यार टू बी ऑनेस्ट रियली वर्थ इट है, बहुत अच्छा प्रोटेक्टर लगा है, क्योंकि जो मैंने अभी रिसेंटली जोरे का लगवाया था जो सबसे बेस्ट कंपनी है, वो अराउंड 250 लीरा का लगा था, लेकिन यार वो ना 2-4 दिन बाद उतर गया। और उसका दूसरा ड्रॉबैक ये था कि वो कैमरे को भी कवर कर रहा था और एक येलोइश सा अजीब सा, पिछली वीडियो में आप देखेंगे थोड़ा सा रिजल्ट डाउन है। इसके ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, फ्रंट कैमरे से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, लगवा लिया दिल बड़ा करके। स्टारबक्स ढूंढ रहा हूँ, स्टारबक्स ढूंढ रहा हूँ, तो वो ढूंढते हैं और फिर चलते हैं, पीते हैं और फिर देखते हैं वाकई कुछ है या फिर ऐसे बिला वजह की हाइप बनाई हुई है। मॉल के अंदर कोई 25-30 मिनट ख्वार होने के बाद पता चला कि अंदर तो स्टारबक्स है ही नहीं, स्टारबक्स मॉल के बाहर है। सो अभी मैं अगेन बाहर जा रहा हूँ और वहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट अवेलेबल है ये वाला नहीं, क्योंकि अक्सर स्टारबक्स पे अवेलेबल नहीं है। मैं कोई हफ्ते से इसको ढूंढ रहा हूँ, 7-8 पे जा चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला। किसी ने बताया था कि इस वाले पे शायद अवेलेबल हो, देखते हैं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर अशर के पास जाके वाइट चॉकलेट मोका ही पी लेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई और चीज़ अच्छी लगती नहीं है हमें। ओ रहा स्टारबक्स, आज वैसे मौसम अच्छा हो रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा हो नहीं रही, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है यार। अकेला आना ना वरना मज़ा नहीं आता, अकेले इन्जॉय नहीं कर पाता इंसान, चुप करके चल रहे हैं, कैमरा हाथ में अजीब लग रहा है। दो बंदे हो, वो चिंटू हो मेरे साथ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा तो फिर उसके साथ इन्जॉय करेंगे, तफरियाँ करेंगे। अभी सूखी सूखी वीडियो चल रही है। ये है भाई एंट्रेंस की, देखते हैं चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, एंड आई गेस नहीं है। वो कोल्ड बेवरेज में आता है और यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, पूछ लेता हूँ मैं। बैड लक यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। सो अभी मैं जा रहा हूँ चालयान चिंटू के पास, उसके पास जो स्टारबक्स है वहाँ से फिर वाइट चॉकलेट मोका ही पियेंगे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है होता नहीं है हमारे पास। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं लगता। खैर अब ये काम करूँगा, ट्रेंडियोल से इसको ऑर्डर करके ट्राई करूँगा, क्योंकि और मुझे कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा। ये भी बहुत बड़ा स्टारबक्स था, एक और कल गया था वहाँ पर भी नहीं मिला, लेकिन मुझे ट्राई करना है, अब दिमाग में लग गया है। उसके अलावा मुझे स्टिल यकीन नहीं आ रहा कि मैंने 6000 का प्रोटेक्टर लगवा लिया है। अब मतलब मोबाइल से ज़्यादा ना प्रोटेक्टर की केयर करनी पड़ेगी। पहले तो चाबियाँ बर्ड्स वगैरह सब जेब में डालती थी, उसी में मोबाइल डाल देता, लेकिन अब बहुत केयर करनी पड़ेगी क्योंकि 6000 का है भाई। कुछ भी है, मैं पाकिस्तानी, उसको ना फ़ौरन से कन्वर्जन कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 330 लीरा बन गया 6000, पागल हो जाते हैं। अब दिमाग में लगता रहेगा शाम तक, रात को नींद भी शायद नहीं आनी। खैर चलते हैं चिंटू के पास और आपके पास मिलते हैं फिर आगे। यार आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे फ्लावर्स मिल रहे हैं और बड़े खूबसूरत फ्लावर्स हैं, जहाँ मतलब जिस स्टेशन पर जा रहा हूँ। असल में बर्फ़बारी ख़त्म हुई है, सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, तो फिर ये बहार का या ख़िज़ां का मौसम शुरू हुआ है, तो हर जगह अभी ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं। भाई मेरे साथ सीन ये हुआ है कि लौट के बुद्धू घर को आए, मैं मतलब दो कामों के लिए गया था, एक हो गया दूसरा नहीं हुआ। अब ये कि स्टारबक्स जा रहा हूँ अशर के घर वाले पे, वहाँ पे अगर नहीं मिला जो कि कल भी ट्राई किया था नहीं है, कुछ और ट्राई करेंगे। आज ठंड नहीं है सो वाइट चॉकलेट मोका को कराएंगे कैंसिल, कुछ और ट्राई करेंगे ताकि वो गरम गरम पी के और गरम हो जाएंगे, वैसे ही बहुत गरम चल रहा है आजकल। खैर आज मौसम बड़ा सुहाना है तो आज क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, तो लाइक मज़ा आ रहा है, लोग अच्छे लोग हैं,
यार इस एरिया के इसीलिए यहाँ पे फॉरेनर्स नहीं है, लाइक अरबी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, तो एक अलग ही मज़ा आता है, फीलिंग्स आती हैं। वो रहा सामने स्टारबक्स, आई मीन सत्तार बख्श, ये मेरा तकिया कलाम हो गया, लाइक मैंने इसको नया नाम दिया सत्तार बख्श। यार चल चल के ना मेरी फट गई और मेरे बाल जो है ना वो ऐसे लगे जैसे बम फट गया। सजेशन दिएगा कमेंट्स के अंदर कि मैं बाल कटवा लूँ या फिर बड़े बड़े रहने दूँ। सेट करवाना बेकार है क्योंकि वो जब सूखते ना तो वो ड्राई होने के बाद अजीब से हो ही जाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़े से और लंबे करके इनको एक प्रॉपर करवानी है कटिंग, लेकिन अजीब भी लगते हैं। अम्मा अब्बा टाइट डंडा करते हैं कटवा लो कटवा लो, तो क्या करूँ, कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए। पहुँच गए हैं हम और अभी अंदर जा के देखते हैं, सबसे पहले फ्रिज के अंदर घुसेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कोई नया फ्लेवर कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे। नहीं भाई यहाँ पे भी नहीं है फ्रैपेचिनो और मुझे इनसे बनवानी नहीं है, मज़े की नहीं होती, सो ट्राई करते हैं कुछ और। आज आपके भाई ने लिया है स्टारबक्स रिफ्रेशर से, रिफ्रेशर है ये, बेरी रिफ्रेशर फ्लेवर है इसका, बड़ा ज़बरदस्त है। असल में टेम्परेचर हो रहा है 12 और मुझे गर्मी लग रही है, सो मैंने कहा यार कुछ ठंडा लेते हैं, और लिटरली अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़े का है। गरम गरम पीपी के तंग आ गया था, सोचा कुछ ठंडा ट्राई करते हैं, और वाकई मज़े का है, मतलब ये फ्लेवर बहुत अच्छा है। मैंने इसका लेमोनेड पिया हुआ है, ऑरेंज पिया हुआ है, मैंगो पिया हुआ है, लेकिन जो ये फ़्लेवर है ना मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं, और मेरा जो एक्सपेरिमेंट करने वाला सीन था ना वो फेल नहीं हुआ। फ्लेवर अच्छा है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, और मतलब लाइक पैसे वसूल है। पाकिस्तानी ये तकरीबन पड़ी है 800 की, नहीं 900 की, 57 टर्किश लीरा अराउंड 900 बनता है। ये है चिंटू का मोहल्ला, यहाँ से भी मैं अशर के घर जाने लगा हूँ, अक्सर वह बर्गर किंग पे वेट करता था, लेकिन आज उसके सीधा घर जा रहे हैं क्योंकि उसने कहा मैंने चेंज वेंज करना है, टाइम लगेगा, सो मैंने कहा मैं बाहर वेट करने से बेहतर है घर जाता हूँ। सो चलते हैं अशर के घर पर और फिर देखते हैं आगे, हमने एक जगह जाना है, इंजॉय करना है, फिर क्या करते हैं देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दूँ क्योंकि मैंने अशर के साथ शाम में जाना है, अभी 2 बज रहे हैं तकरीबन, मुझे 5 बजे तक निकलना है शाम में, और जिस जगह पे जाने वाले हैं वो बहुत खूबसूरत है, मैं सोच रहा हूँ उसका एक पूरा अलग से व्लॉग, पूरी एक अलग वीडियो बनाऊँ। सो शाम में मनाजिर बहुत अच्छे होंगे, कैप्चर करेंगे, अगर इसकी उसकी मतलब मिक्स हो जाएगी, 2-3 चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक अलग ही कॉन्टेंट, एक अलग ही वीडियो बना लें, और एक चिंटू साथ होगा तो उसको फिर नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। बहुत ड्राई ड्राई वीडियो थी वो और तफरीहों के साथ होगी। खैर आप सब अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली उसके जो व्यूज़ कैप्चर करूँगा, जो उसकी सिनेमैटिक वगैरह कुछ शॉट डालूँगा वो आपको पसंद आएगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।